उसी संविधान के पांचवें पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी है। उसी में भगवान कृष्ण बने हैं, उसी में सुभाष बने हैं, उसी में छत्रपति शिवाजी बने हैं। अब अगर आपकी हम समाप्त हमारे पहले के जनरेशन को अगर वो संविधान देखते तो कोई कहता ये तो हमारी प्रेरणा है भाई। और अगर ये संविधान को सुबह शाम सर पर उठाने वाले काले कोट वाले अगर वही पढ़ लेते तो वो जो एक साहब गए थे जो बिका हुआ वकील है पूरे देश में घूमता है उसकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती ना फिर कि भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम जीते जागते भारत के संविधान में मौजूद है लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही। ऐसी चीजों पर कहीं कोई बात नहीं हो लेकिन जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं सिर्फ इतना है उसमें बहुत सारे चित्र हैं, उसमें बौद्ध दर्शन है, उसमें गीता का ज्ञान है, उसमें जैन दर्शन की बात हो रही है, उसमें मौर्यकालीन भी है, पंचायती राज है, सर्वसुलभ शिक्षा भी है, उसमें नटराज भी है, तांडव होता हुआ राज है उसमें, उसमें शिवाजी रानी लक्ष्मीबाई बहुत सारे लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब वो तमाम सारी तस्वीरें बन गई तो मात्र दो दिन पहले उन्हें दिल्ली लाया गया और उससे पहले हमारे चचा पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद शांति निकेतन में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग कुछ बनाने की। तो नंदलाल बोस ने कहा कि हां कुछ चित्र तो बन रहे लेकिन एक लड़का है 22 साल का वो अभी दो तीन दिन से गैर हुआ है घर जबकि वो उन्हीं के नीचे आर्ट रूम में काम कर रहा। नंदलाल बोस नहीं चाहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ हो और जब वो सब कुछ बन गया आ गया दिल्ली तो ये वार्तालाप जिनकी डेथ 2007 में हुई उस वक्त उनकी कोई 22 साल की उम्र थी उनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच की वार्तालाप है जो मैं आपको विहोर साहब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा आपने जो इसमें कुल मिलाकर के संविधान में कोई 22 से 26 चित्र हैं उसमें से 16 या 17 चित्र राम विहोर सिन्हा साहब के। अब उस 22 साल के लड़के की मनोदशा सोचो कितना विजनरी होगा। जबलपुर जाता हूं तो उनके परिवार से मिलके यही फील करता हूं कि देखो उनके वंशज इमीडिएट वंशज हूं। नंदलाल बोस अलग बैठे हुए थे सिन्हा साहब से उन्होंने पूछा कि आपने जो चित्र बनाए इसका मेहनताना क्या है। उस 22 साल के लड़के ने कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि संविधान के हर पन्ने के नीचे मेरा नाम लिख दिया जाए। अब अगर इसको विजन के तौर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहां ले जाना चाहता था 22 साल का लड़का। राजेंद्र प्रसाद इसके लिए तैयार हो गए। उसने कहा छोड़िए अच्छा मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। जो भारत के संविधान का प्रीएम्बल है आप देखेंगे पहले पेज पर उस पे लिखा है वी द पीपल ऑफ। उन्होंने कहा कि इसमें जो बेल बूटे बने हैं उसमें जो मोर बने इसके अंदर सिर्फ राम लिख दीजिए मुझे और कुछ। अब ये बात उसने क्या सोचा होगा मैंने जाना उसको नहीं पता था कि कोई गुजरात से आएगा उसको अंदाजा नहीं होगा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कैसे चीजें होती हैं। कोई शहर नहीं जहां ये बोला नहीं है लेकिन जब संसद का नींव रखी गई तो उसमें इतना बड़ा एक संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है और उस पत्थर पे जो भारत का प्रीएम्बल है वही है और अभी भी जो आलू से सोना बनाया उन्हें पता नहीं क्या खेल हो गया है और मैं नहीं चाहता कि पता चले 10-20 साल बाद उस बिल्ड के अंदर जाके ढूंढेंगे उसमें राम लिखा है लोग राम बेहोश सिन्हा को भूल जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से राम को याद रखेंगे। ये 22 साल के लड़के की विजय इन्होंने अभी क्या किया इन्होंने संसद ही नहीं बना दी उस नई संसद को पत्थर लगा हुआ है और दूसरा काम इन्होंने क्या किया क्या मगर इस देश में तो कोई भी ऐसा काम करे तो बड़ी जल्दी सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। एक तो पता नहीं सेक्युलरिज्म कहां पैदा हुआ था जो खतरे में आता
ये पैदा होने से ही खतरे में है, क्योंकि ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड। मैं कोई बात आपसे रिटॉर्ट नहीं कह रहा, ये वर्ड सेकुलरिज्म आया कहां से, इस सेकुलर शब्द की इजाद हुआ कहां था और क्यों हुआ था और हमारे संविधान में कब आया था ये हमको नहीं पता। यूरोप के अंदर जो राजा हुआ करते थे, जो किंग होते थे, वो चर्च से गाइड होते थे। वहां बहुत सारे ऐसे लोग ओवर द टाइम आए जो चर्च में बिलीव नहीं करते थे, किसी और में बिलीव करते थे। तब वहां एक मुहिम चली कि राजा जो है वो क्योंकि चर्च से गाइड होता है इसलिए वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता जो चर्च को नहीं मानते, और वो मुहिम खूब चली। तब ये कहा गया कि राजा सेकुलर होगा, यानी वो किसी मजहब से, किसी किताब से गाइड नहीं होगा, राजा सिर्फ संविधान से गाइड होगा। ये यूरोप में चला। तो भारत की संसद में जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, उस पर खूब बहस हुई, उस वक्त ये सेकुलर शब्द के बारे में बड़ी चर्चा की गई। अय्यंगर साहब थे, पटेल साहब थे, चचा थे हमारे, और भी लोग थे। आप सोचिए कि उस वक्त भी नेहरू ने, पटेल ने, अय्यंगर साहब ने, सबने सेकुलर कर रिजेक्ट किया था, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उन पूरी डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो जिसे बी आर अंबेडकर कहते हैं, जिसे कुछ लोगों ने एक कास्ट का हीरो बना दिया है, मेरा आज भी मानना यह है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार भारतीय राजनीति के उस दौर में कोई था ही नहीं। सबके छोटे छोटे एजेंडे थे, उसका एजेंडा नहीं। इसलिए अंबेडकर ने जब सेकुलर शब्द के ऊपर बात हुई है तो अपनी स्पीच में कहा कि भारत की भूमि को सेकुलरिज्म संविधान में ला करके इसको इसकी बेइज्जती मत कीजिए, इसका अपमान मत कीजिए। भारत अनादि अनादिकाल से, ये उन्हीं के शब्द ने दोहरा, अनादिकाल से भारत में अलग अलग मत आए, अलग अलग पंथ आए, उन्होंने यहां पूजा पद्धति अपनी चलाई। कोई इतिहास का एक ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलता कि जो भारत भूमि के जो यहां का सनातन था उसके अलावा जो लोग आए उनको सिर्फ हमने इसलिए गर्दन उनकी स्तन से जुदा कर दी क्योंकि वो हमारी बात, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगती। तब उन्होंने कहा कि भारत की मट्टी में और सनातनी हिंदुओं की नसों में सनातन के सेकुलरिज्म बहता है, इसलिए इसको संविधान में नहीं लाना चाहिए। लेकिन उसी अंबेडकर को जिसको सर पर लेकर के कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक अंबेडकर 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 करते हैं, उन्हीं लोगों ने भारत के संविधान को मात्र 24 साल के बाद 1950 में, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, और एग्जैक्टली आपने 1976 में बिना किसी अनाउंसमेंट के, जब देश के ज्यादातर नेता जेल में थे, आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड लाकर डाला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केजीबी के डायरेक्टर की किताब पढ़ लीजिए, आज कोई डायर आज कोई किताब कोई डॉक्यूमेंट आपसे दूर नहीं, पढ़ लीजिए, वो साफ साफ लिखता है कि भारत के अंदर उस वक्त एक महान पार्टी है जिसकी यात्रा निकल रही है आजकल, ये यात्रा अंतिम यात्रा है, कौन सी यात्रा है? ये यात्रा निकल, उसने लिखा है कि उस वक्त संसद में 35 लोग केजीबी के पैसे पे उनको पेमेंट होता था, और कैसे नरेटिव हमारे यहां बनते थे उस दौर, फिल्मों से लेकर के, अखबार से लेकर, मीडिया से लेकर नरेटिव बनाए जाते थे। इसलिए उस दौर में जाके देखिए जितनी भी फिल्में बनी उस फिल्म के अंदर मंदिर जाना बहुत घटिया था। एक फिल्म आई थी शोले, सबने देखी होगी,
उस गांव में सबसे रईस आदमी ठाकुर है, सबसे बड़ा आदमी ठाकुर है, उसके घर में लालटेन चल रही है, लेकिन चचा का भतीजा मर गया, अजान माय लॉर्ड स्पीकर पे आ रही है। जितने भी मंदिरों के अंदर जाना जो है वो नास्तिक होना बड़ी बात है, जितने भी गुंडे हुए जबकि असल में तो दूसरे थे, हाजी मस्तान से लेके करीम लाला, लेकिन वहां पे वही होता था तिलक पधारी। तो ये उस दौर में कोई ऐसा नहीं हुआ, बनाया गया बाकायदा तय होकर के, जेएनयू का क्रिएशन भी उसी समय हुआ। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, आज सच बोलिए बिना डरे बोलिए। बहुत लोग हमको सुबह शाम तीन चार बार मार चुके होते हैं, जहां दिल जाते मार देते हैं, और डराने की आदत जिनकी है उनको पता नहीं है कि मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, और आपका जो शहर है आपके शहर की भी महान भूमिका है इसमें। 29 दिसंबर 1930 को इसी धरती पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, और 29 दिसंबर 1930 को उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? जिन्ना। उसका नाम है मोहम्मद इकबाल, जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1904 में तराना लिखा। 1904 में वो तराना लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1910 के अंदर मिल्ली तराना लिखते हैं, ये भारत के सनातनी हिंदू को पता ही नहीं है। और जो मिल्ली तराना था उसकी एक ही लाइन से आप समझ जाएंगे कि उनका जहन क्या था। इसके आज भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में सबसे बड़ी कब्र उनकी है, और पाकिस्तान आज भी उनको अपना पॉलिटिकल नहीं स्पिरिचुअल फादर मानता है। और वो लिखते हैं उसमें जो मिल्ली तराना लिखा उसमें, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, ये वो लिखा है। और आपके शहर में जब वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था उस वक्त उस लीग को वो कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भारत के जिन राज्यों में जहां जहां मुसलमानों की गिनती ज्यादा है उन्हें अलग कर देना चाहिए। अब इकबाल साहब चले गए, हम उस चूरन को आज भी चाट रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो महान बातें कर रहे। इसलिए मैं जब मैंने शुरू में कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठा है। और जो शब्द है वो नहीं कोई कहना चाहता कि तो उससे पोल खुल जाए, हो करके सब लोगों ने मचा लिया, और हम लोगों को लगता था हाँ क्या बात, पंडित जी यहां, पंडित जी कभी आगे हाथ कभी पीछे हाथ, बस यही कर 15 अगस्त 1947 को इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर और आजादी में जमीन आसमान का फर्क है। और उस पर एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कोई हमने नहीं बनाया, उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उनकी जो कैबिनेट मीटिंग है ये उसका डॉक्यूमेंट है, उस मिनट्स का डॉक्यूमेंट है जो आज अवेलेबल है, क्योंकि हमारे देश में इन चीजों को जरा बड़ा उससे लिया जाता है, वहां सब चीज सार्वजनिक हो चुकी है। उस डॉक्यूमेंट में 1948 में चचा जान चिट्ठी लिख रहे हैं, और चिट्ठी में लिख रहे हैं एटली साहब को कि भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइस रॉय था,
यकायक 15 अगस्त 1947 के बाद वो आजाद भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, क्योंकि हमारे यहां लोगों की कमी पड़ गई थी। इस मामले में उस पड़ोसी मुल्क को आप कुछ भी कह दीजिए, जब वहां गए कि आप माउंटबेटन को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाइए, उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बास्टर्ड। तब उन्होंने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया। यह करेज हमारे अंदर नहीं था, क्योंकि हमने तो दुकान चला रखी थी। तो जो इंटरिम सरकार बनी, यह भी भ्रम है लोगों को, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने शपथ ली थी देश के पहले प्रधानमंत्री, बिल्कुल गलत। इसलिए 1948 की यह चिट्ठी यह बताती है कि हम कौन थे और हमारी औकात क्या थी। माउंटबेटन का बर्मा ट्रांसफर हो गया, वो बर्मा चले गए, तो चचा लिखते हैं चिट्ठी अटली साहब को कि माउंटबेटन साहब तो चले गए हैं, बर्मा उनका ट्रांसफर हो गया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनाने की मुझे आज्ञा दी जाए। ये 48 में आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखा है, ये 48 का लेटर है। अभी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और हमको बताएगा कि हम आजाद हो गए, और ऐसे नहीं झूठ बोला, एक आध अपराध हुआ हो तो चलो ठीक है। 1961 वो जो माउंटबेटन साहब थे उनकी एक पत्नी भी थी, उनकी दोस्ती हमारे नेताओं से भी थी, वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप उसको दूसरे तरह से सोचें, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि सादा शब्दों में आप समझ जाएं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी इंडोनेशिया के किसी टापू के ऊपर छुट्टियां मना रही, और ये तो मैं नहीं कह रहा, ये बात कांग्रेस पार्टी का वो लीडर जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेस सेक्रेटरी थे, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बने, फिर पाकिस्तान के अंदर भारत के हाई कमिश्नर बने, इत्तेफाक से वो जीवित हैं अभी, उन्होंने लिखा है। उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई आदमी नहीं है, वो शुद्ध कांग्रेसी थे और अभी जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए। राजस्थान के बड़े जाट लीडरों में उनका नाम आता है, एक ऐसे दौर में हमारी उनसे मुलाकात हुई, बहुत पास से उनसे चीजें जानी, उनकी किताब में ये जिक्र है, जो नेहरू को देख रहे थे तब से, इंदिरा के साथ भी रहे, फिर उसके बाद जब से किताब लिखी तो इंदिरा के वंशज नाराज हो गए। वो अपने पेज नंबर 40 में लिखते हैं कि 1961 के अंदर एडविन माउंटबेटन जो इंडोनेशिया के किसी टापू पर छुट्टियां बिता रही थी, अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई। चिंता इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, चिंता इंडिया में होनी चाहिए, और उस वक्त यह हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई है, भारत की संसद ने पूरी मेजॉरिटी के साथ एडविना माउंटबेटन की डेथ पर शोक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि ये नेहरू जी चाहते थे। नेहरू जी पता नहीं क्या क्या चाहते थे और किसे किसे चाहते थे, आज तक पता नहीं। आई नो, शोक प्रस्ताव पारित हुआ। मैं डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आर्गुमेंट पे लाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपको बताना चाहता। 1979 बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर पे शहर है, वहां से एक आदमी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में मूवमेंट खड़ा किया, जिसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं, सिताब द्यारा वो जगह। मैं दोनों में फर्क बता रहा हूं कि हम यहां इस चौराहे पे खड़े क्यों हैं। उनकी तबीयत खराब थी, लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहे। 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि कुछ लीडर्स ने कहा कि जयप्रकाश नारायण, और खासतौर से वो लोग जो जेपी के मूवमेंट से उस फायदे से सत्ता तक पहुंचे,
कम से कम इतना तो जमीर उनका जिंदा होना चाहिए था कि जिसके कंधे पे तुम सत्ता में पहुंचे थे अगर उसकी मृत्यु हो गई तो तुम संसद में जब ये सवाल था कि उनको श्रद्धांजलि दे दी जाए तो कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं वो तो सदस्य नहीं थे। तब वो दो लोग जो 1961 में भी जीवित थे 79 में भी जीवित थे उनमें से आज एक भी जीवित है और दूसरे नहीं है। तब ये सवाल किसी ने नहीं कहा कि भाई एडविन माउंटबेटन भारत के संसद की कब सदस्य बनी जब आपने उसको श्रद्धांजलि दी। लेकिन जेपी को नहीं दी गई। लेकिन उसी 79 में एक घटना और घटी है। मैडम एडविन माउंटबेटन के ओरिजिनल पति वो इंग्लैंड में एक मूवमेंट चल रहा था और उस मूवमेंट को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी चला रही थी। माउंटबेटन साहब को टूना मछली खाने का बड़ा शौक था। उसकी कुछ विशेषताएं होंगी इसलिए वो खाते होंगे, मैं नहीं जानता।